कल मैं टोबा ट्रेक्सिंग में था और मुझे बड़ा फख्र है कि वहाँ पर हमने 5 फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि अल खैर फाउंडेशन की मदद से सर्वर फाउंडेशन ने लगाए हैं, मैंने कल एक दिन में 5 फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। तो माशाल्लाह न सिर्फ राशन पैक में पीने का साफ पानी जो मेरा मिशन है उस पर भी हम भरपूर तरीके से एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विज़न है और प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब में ये ज़िम्मेदारी पीने का साफ पानी पूरे पंजाब में पहुंचाने की मुझे दी थी। और इंशाल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब आबे पाक अथॉरिटी जो है उन्होंने PC1 मंजूर कर लिया है और हमारा माशाल्लाह 600 करोड़ रुपया हम पहले फेज़ में पीने के साफ पानी के लिए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए, वाटर स्कीम्स के लिए, हैंड पंप्स के लिए इंशाल्लाह इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी जो है इंशाल्लाह पूरे पंजाब में हम जो है मुहैया करेंगे। जी माशाल्लाह ये बड़े फख्र की बात है कि अब तक जो मिशन हमने 1 लाख राशन से शुरू किया था अब तक 11 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को पूरे पाकिस्तान में हम ये राशन जो है वो तकसीम कर चुके हैं और जिसकी मालियत जो है कम अज़ कम 350 करोड़ रुपया है। तो माशाल्लाह ये हमारे जो जेनरस लोग हैं, हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं, हमारे जो NGOs हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो भरपूर तरीके से इस सिलसिले में काम जो है वो कर रहे हैं। एक बात मैं पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ये जो 600 करोड़ रुपया हुकूमत पंजाब ने आबे पाक अथॉरिटी के लिए मंजूर किया है, इसकी एक एक पाई का हिसाब और उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा और इंशाल्लाह ये वो प्रोजेक्ट होंगे जिसमें किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं होगा, किसी किस्म की इसमें किकबैक नहीं होगी, ईमानदारी के साथ 100% पैसे जो हैं वैल्यू फॉर मनी होगा। उसके बाद हम इसको मेंटेन करेंगे, उसके बाद हम जो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं उनको भी इंशाल्लाह हम जो है दोबारा रिपेयर करके लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया करेंगे।